हेलो फूडीज एंड वेलकम टू न्यू वे ऑफ कुकिंग इन मनीत द किचन। गर्मियों के मौसम में अगर आपने कच्चे आम की चटनी नहीं बनाई तो फिर अभी तक आपने गर्मियों का मजा लिया ही कहाँ है। इस रेसिपी का नाम कलर चेंजिंग चटनी क्यों है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो तो पूरी देखनी ही होगी। तो चलिए बनाते हैं कलर चेंजिंग चटनी। इस रेसिपी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक कच्चा आम, एक मीडियम साइज्ड लाल प्याज, 3 लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च। याद रखिएगा कि हमें यहाँ सिर्फ लाल प्याज ही लेना है, सफ़ेद रंग वाला प्याज हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैंने आम को छील लिया था, अब हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। मैंने इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटा है। हम एक चॉपर में कटा हुआ कच्चा आम डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें प्याज जिसे मैंने लंबा काट लिया था। आखिर में हम मिर्ची, लहसुन और साथ ही साथ नमक भी डाल देंगे। अब हम इसे चॉपर की सहायता से पीस लेंगे। चॉपर का इस्तेमाल मैंने चटनी की थिक कंसिस्टेंसी के लिए किया है। तो लीजिए, हमारी कलर चेंजिंग चटनी तैयार हो गई है। इसे आप 2-3 दिन फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या प्यारी चटनी बनी है। ये कलर चेंजिंग चटनी इसीलिए है क्योंकि जितने देर हम इस चटनी को रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका कलर डार्क होते जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले ये लाइट पिंक कलर की थी पर कुछ घंटों के बाद ये डार्क हो गई। और इसका सीक्रेट है रेड प्याज, इसीलिए आप रेड प्याज का ही इस्तेमाल करें। आप इसे बस रोटी, नान या राइस के साथ ही नहीं बल्कि फ्राइज, चाट, टिक्की, नाचोस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो क्यों ना इन गर्मियों का लुफ्त उठाया जाए कलर चेंजिंग चटनी बना के। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अगर आप इस चैनल में नए हो तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।